हेलो दोस्तों, जय मां काल। मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर शून्य टू इन्फिनिटी चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखें, जिससे आगे आने वाले राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं, पटवारी, वनपाल, वन रक्षक, हाईकोर्ट, SI, राजस्थान पुलिस, उन सभी में आपको बहुत सहायता मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन की सीरीज भी चला रहे हैं, जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिस भी टॉपिक बाय टॉपिक के, जैसे नदियों के क्वेश्चन है तो नदियों में चंबल नदी के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको हम उसके बारे में भी बात करते हैं, उसके भी वीडियो डल रहे हैं दोस्तों, तो उन्हें भी पूरा देख लीजिए, जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों जो भेड़ों की ट्रिकें हैं, भेड़ वंश में जितनी भी भेड़ें पाई जाती है उन सभी के बारे में हम आज पढ़ेंगे दोस्तों। पहले वाले वीडियो ज़रूर देख लें, उनमें आपको भैंस की, गाय की, ऊँट की और बकरी की, ये सभी नस्लें आपको मिल जाएगी दोस्तों, और इसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप उनको ज़रूर देख लें दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों भेड़ वंश के बारे में। पहले जान लेते हैं कि भेड़ वंश के बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, उसी के बारे में हम बता रहा हूँ आज, कि भेड़ जो वंश है उसकी दृष्टि से राजस्थान में कौन सा स्थान है उसके बारे में बताऊँगा आपको, कि भेड़ राजस्थान में कौन सा स्थान है आप बताइए। तो भेड़ का तीसरा स्थान है राजस्थान में, और पहला भेड़ वंश की दृष्टि से देश में आंध्र प्रदेश पहला स्थान रखता है भेड़, ठीक है। और देखी जाए तो राजस्थान में मुख्यतः भेड़ों की 8 नस्लें पाई जाती है। कितनी नस्लें पाई जाती है? 8 नस्लें। जितने भी ये क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों मैं, वो सभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं लगभग, और नहीं आए हुए तो आने के चांस बन रहे हैं, तो उन्हें भी ज़रूर देख लें। तो 8 प्रकार की भेड़ों की नस्लें हैं, और सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें बाड़मेर में पाई जाती है, और न्यूनतम भेड़ें पाई जाती है बांसवाड़ा में, ठीक है दोस्तों। और इसके बारे में कि राजस्थान ऊन मिल कहाँ पे है, तो राजस्थान में ऊन मिल कहाँ पे है? बीकानेर में स्थित है राजस्थान में ऊन मिल। और केंद्रीय जो भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है दोस्तों? जो केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, ये दोस्तों अविकार नगर मालपुरा टोंक में स्थित है। इसकी स्थापना दोस्तों 1962 में हुई थी। कब हुई थी? 1962 में हुई थी, ठीक है। और इसके बारे में बताऊं कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड और भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान, याद रखना इन दोनों को, इम्पोर्टेंट चीज़ें, तो वो जोधपुर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में, ठीक है। ये है भेड़ों के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें। अब मैं ट्रिक बताऊँगा आपको कि ट्रिक में जो भेड़ों की नस्लें हैं वो कैसे याद रखते हैं। तो उन नस्लों की ट्रिक हो गई, आसान सी शॉर्ट ट्रिक है कि चोर मारा मगर सोना, यानी जो माल था सोना से यहाँ है माल, तो चोर मारा मगर सोना, जो उसके पास माल था, बाघ की नाली में, यानी कोई बाघ है उसकी नाली में, खैर जैसे पुंगल भेड़। ये ट्रिक है इसकी कि चोर मारा मगर सोना या माल बाघ की नाली में डाल दिया, ऐसे समझ लो, खैर जैसे भी पुंगल भेड़ की जैसे काम किया उसने। कैसे काम किया? पुंगल भेड़ की तरह कहीं छुपा देता लेकिन बाघ की नाली में ही डाल दिया उसको। तो आसान ट्रिक है कि चोर मारा मगर सोना या माल बाघ की नाली में, खैर जैसे पुंगल भेड़। अब इसके बारे में बताऊँगा मैं कि चोर से क्या याद रखोगे? चोर से याद रखना दोस्तों चौकला, चोर से चौकला। मारा से याद रखना दोस्तों मारा, मारवाड़ी, मारा से मारवाड़ी, मगर से मगरा, सोना से सोनाड़ी, माल से मालपुरी। सोना से क्या याद रखोगे? ये सोना वाला है उसको तो सोनाड़ी याद रखना, और ये जो माल है उससे मालपुरी याद रखना। बाघ से याद रखना दोस्तों बागड़ी, क्या याद रखोगे? बाघ से बागड़ी, बाघ से क्या याद रखना? बागड़ी। और नाली से याद रखना दोस्तों नाली, नाली से नाली ही याद रखना है, नाली ही इसकी किस्म है। खैर से याद रखना दोस्तों खेरी, खैर से खेरी, जैसे से जैसलमेरी, पुंगल से पुंगल, और भेड़ से, ये दोस्तों ये भेड़ की नस्लें हैं। हो गया आसान ट्रिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक इसकी दूसरी और ट्रिक है, अगर ये याद नहीं रख सकते तो दूसरी बता रहा हूँ आपको कि इसको याद रख लेना।
क्या ट्रिक है कि मामा बाग में चोखे या चोखो सोना है पूजे, मामा बाग में चोखे सोना है उसको पूजना है, ठीक है। तो मामा एक माँ है उससे तो याद रखना मारवाड़ी, दूसरा माँ है उससे मालपुरी, बाग से याद रखना बागड़ी, और मैं से याद रखना मगरा, चो से याद रखना चौके से चोखला, क्या याद रखो कि चौके से चोखला, और जो लास्ट में खे है उससे याद रखना खेरी, ठीक है दोस्तों। और सोना से, सो से याद रखना सोनाड़ी, ना से याद रखना नाली, पू से याद रखना पोंगल, और जे से याद रखना जैसलमेरी। ये इसकी ट्रिक है, लेकिन इसमें क्या है, एक एक शब्द इसमें क्या है, शब्दों में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसमें भी मैं था उसमें भी मैं था, इसलिए मैंने ये ऊपर वाली ज़्यादा बेस्ट बताई है। तो ऊपर वाली को 10 से 15 बार रिपीट कर लेना दोस्तों, जिससे आपको ये कंटेस्ट याद हो जाएगी। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको कि चोखला भेड़ के बारे में, कि इसको और क्या नाम से पुकारते हैं, इसमें क्या खूबी है उसके बारे में। तो चो से याद रखना चोखला, इसके बारे में बताऊँ कि इसको और किस नाम से जानते हैं, इसको छापर भी नाम से जानते थे, किस नाम से, छापर, छापर और शेखावाटी इसी नस्ल को बोलते हैं दोस्तों। ये भारत में मेरिनो भेड़, मेरिनो भेड़ के बारे में सुना है ना, जिसे स्पेन और उत्तरी अफ्रीका की प्रजाति के रूप में जानते हैं, तो मेरिनो भेड़, तो इसको भारत की मेरिनो भेड़ वंश के, ठीक है, ये भारत की मेरिनो भेड़ वंश है, ये भेड़ की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है दोस्तों। चोखला भेड़ की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, ऊन सबसे अच्छी होती है उसमें, ठीक है। अब मारवाड़ी के बारे में बताता हूँ कि मारवाड़ी भेड़ नस्ल क्या काम की है, तो इसमें जो सर्वाधिक भेड़ इसी नस्ल में पाई जाती है, राजस्थान में जो सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है वो इसी नस्ल की होती है, मारवाड़ी नस्ल की, ठीक है। और इसमें दोस्तों सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पाई जाती है, ठीक है। और मारवाड़ी में, मारवाड़ की तरफ जोधपुर सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसका अनुसंधान केंद्र किधर है, जोधपुर में है, ठीक है। मगरा, मगरा के बारे में बताऊँ आपको कि मगरा, मगरा का दूसरा नाम है चक्री, बीकानेरी या चोखला भेड़, क्या, एक तो चोखला है एक चोखैला है, तो ये वो है, ये सर्वाधिक मांस देती है, क्या देती है दोस्तों, ये सर्वाधिक मांस देती है, लिख लेना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछे जा सकते हैं, कई तो इसमें पूछे गए हैं और कई अब पूछने के चांस हैं, तो याद रख लेना दोस्तों इनको। और इसमें सोनाड़ी, जिसे चनोथर भेड़ के नाम से भी जानते हैं, इसके कान दोस्तों सबसे लंबे होते हैं, ये इसको देख लेना, कान सबसे लंबे होते हैं, और इम्पोर्टेंट, और इसमें से और इम्पोर्टेंट तो कोई है नहीं, और देखते हैं बागड़ी, बागड़ी को रहने देना, ये काली रंग की होती है, ध्यान रखना बागड़ी। तो और जैसलमेरी भेड़ के बारे में बताता हूँ कि जैसलमेरी भेड़ इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, जैसलमेरी भेड़ दोस्तों सबसे लंबी व सर्वाधिक ऊन देती है, क्या खूबी है इसमें, ये सर्वाधिक लंबी और सर्वाधिक ऊन देती है दोस्तों। ये जो पश्चिमी सीमांत क्षेत्र होते हैं उधर की साइड में पाई जाती है, ठीक है, यानी जैसे जैसलमेर हो गया उधर की साइड में, तो इसका अनुसंधान केंद्र भी पोखरण जैसलमेर में है दोस्तों, ठीक है। अब भेड़ के बारे में बताता हूँ आपको, भेड़ को अन्य नाम क्या है, भेड़ को दोस्तों लड़ी भी कहते हैं, गाडर भी कहते हैं, और गारो भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बच्चे को क्या कहते हैं, उड़निया, उड़निया बोलते हैं, और नर बच्चा होता है उसको कहते हैं उड़नियो या उड़नियो, और भेड़ों का झुंड होता है उसे बोलते हैं रेवड़, क्या कहते हैं भेड़ों के झुंड को, रेवड़, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने भेड़ों के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी है, ट्रिक के माध्यम से आपको इसकी नस्लों के बारे में बता चुका हूँ, इसके बारे में जो मैंने बताया उनको लिख लीजिए दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, कई बार पूछ रहे हुए क्वेश्चन भी हैं इनमें, तो पहले वाले वीडियो भी ज़रूर देख लें दोस्तों, जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, हंसते रहें दोस्तों, मुस्कुराते रहें, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें दोस्तों और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद आप सभी दोस्तों का।